नंबर सेवन देखिए क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी 160 रुपीज। अच्छा, आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज 300। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। चलिए देखते हैं हम लोग, हमारे पास यहाँ हम लोग ले लेते हैं दो तरह के प्रोडक्ट्स हैं, एप्पल और ग्रेप्स है, तो हम लोग लिख देते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल, 1 kg ऑफ एप्पल्स हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं 100 रुपीज। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स हम लोग यहाँ ले लेते हैं 2 रुपीज। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 kg एप्पल है तो 1 kg का 100 रुपीज, 2 kg का 2 100 रुपीज, और 1 kg ग्रेप्स है तो उसका कॉस्ट है 2 रुपीज, और टोटल मिलाकर क्या मिलता है, 160 रुपीज लगता है। पहले क्वेश्चन आ गया। अच्छा अब देखिए उसके बाद क्या है, आफ्टर ए मंथ, एक मंथ बाद क्या होता है, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल यानी 4x, एंड क्या कह रहा है 2 kg ऑफ ग्रेप्स यानी कि हो जाएगा 2y इक्वल टू में 300। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ये तो आपका एक इक्वेशन मिल गया, यहाँ से आप 2 कॉमन कर लो तो 2x प्लस वाई इक्वल टू में 300, ये चला जाएगा डिवाइड में तो 2x प्लस वाई इक्वल टू में क्या आ जाएगा 150। ये आपका दूसरा इक्वेशन आ गया। अब इन दोनों का हम लोग यहाँ पर ये तो अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन कर दिए, ठीक है, आप इन्हीं दोनों को दिखा देना कि ये और ये हो गए, ये दोनों अलजेब्रिकली हो गए। अब इनका हमें ग्राफ खींचना है, तो मैंने ग्राफ खींचने के लिए ये 2 कॉमन किया है, अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन यही दोनों हो जाएगा, समझ गया ना, यही दोनों हो जाएगा, और ये मैंने ग्राफ खींचने के लिए इस इक्वेशन को और छोटा कर लिया है। ठीक है, चलिए अब ग्राफिकली के लिए देखिए, हम लोग यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2x प्लस वाई इक्वल टू में 160, इसको उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y इक्वल टू में 160 माइनस का 2x हो जाएगा। चलिए अब इसमें पुट करते हैं x का वैल्यू, पुट करते हैं x इक्वल टू में हम लोग मान लो रखते हैं 80, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 160 माइनस का 2 इंटू में 80, तो 160 घटेगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। पुट x इक्वल टू 60 तो y इक्वल टू हो जाएगा 160 माइनस 2 इंटू में 60, तो ये 120 हो जाएगा, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 40 आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग इसके लिए यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा, एक हम अलग से यहाँ पर चार्ट बना लेते हैं x y। ठीक है, x का वैल्यू पुट किए हैं 80 तो y का 0 आया है, x का वैल्यू 60 रखे हैं तो y का 40 आ गया है, समझे है ना। चलिए चलिए अब लेते हैं दूसरे इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड जो हमने सिम्प्लीफाई करके लाया उसको ले लेते हैं, 2x प्लस वाई इक्वल टू में 150, तो y इक्वल टू में 150 माइनस का 2x, तो पुट करते हैं x इक्वल टू में आप यहाँ पे पुट कर दो 40 पुट करो तो y इक्वल टू हो जाएगा 150 माइनस 2 इंटू 40, तो 80 हो जाएगा, 80 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 70 आ जाएगा ना, ये आपका 80 हो जाएगा, 80 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 150 में से तो 70 आ जाएगा। पुट x इक्वल टू 60 तो y इक्वल टू हो जाएगा 150 माइनस 2 इंटू में 60, यहाँ पे 120 होगा, 120 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 150 में से तो 30 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए तो इसके लिए भी हम लोग यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं और फिर इनका ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए x y। ठीक है, पुट करते हैं x का 40 तो y का 70, और x का 60 तो y का 30। चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं, ध्यान से देखिए, तो मैंने यहाँ पे ग्राफ पेपर ले लिया है, चलिए ये आपका x एक्सिस यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, ब्लैक ही कलर ठीक है ग्राफ के लिए, थोड़ा अच्छा से दिख रहा है हम लोग को, और ये y एक्सिस ले लेते हैं। ठीक, x
एक्स डैश वाई और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं वाई डैश, ठीक है। चलिए देखिए, हम लोग यहाँ देख रहे हैं 60, 80 इस तरह से वैल्यूज आए हैं, तो हम लोग उसी के सिचुएशन के अनुसार लेंगे। यहाँ पे 20, 40, 60, 80, 20, 40, 60, 80, -20, -40, -60, -80। निगेटिव में जरूरी भी नहीं था, हमने वैल्यूज निकाला ही नहीं है। -20, -40, -60 काफ़ी है। चलिए देखिए, अब इसके बाद देखो हम लोग क्या देख रहे हैं, पहले वाले के लिए देखते हैं। 80 है x का और y का 0 है, यही हो जाएगा। और दूसरा देखिए, x का 60 और y का 40, x का 60 और y का 40, ठीक है। चलिए, तो इन दोनों से होकर जाने वाला जो लाइन होगा, ठीक है, उसको खींचते हैं, इन दोनों से होकर जाने वाले लाइन को इसी तरह ना जाएगा। चलिए, इसका हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। जो इक्वेशन था क्या था, 2x + y = में कितना था जी, 160 था ना, 2x + y = 160। अच्छा चलिए ठीक है। दूसरा, x का 40 और y का 70, x का 40 और y का 70 कहाँ हो जाएगा, x का 40 और y का 70 किधर हो जाएगा जी, तो इसके और इसके बीच में, ठीक है, इधर ही ना कहीं होगा। चलिए 40, 70, या फिर x का 60 और y का 30, x का 60 और y का 30 यहाँ पर हो जाएगा, x का 60 और y का 30 ऐसे ही ना हो जाएगा। चलिए, तो इस तरह से इन दोनों से होकर जाने वाला लाइन जो होगा ना, कुछ इस तरह से बनेगा, पैरेलल एक दूसरे के, ठीक है, ये वाला इसके पैरेलल है, देख रहे हैं ना। चलिए, इसी तरह ना जाएगा। तो इसका इक्वेशन क्या था, तो इसका इक्वेशन था 4x + 2y = 300, यही ना था जी। चलिए, तो हमने इसका भी ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखा दिया। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक।